नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय मौजूद हैं जनपद भदोही के गोपीगंज क्षेत्र के कठौता गांव में, और हमारे साथ बात करने के लिए इसमें मौजूद हैं पंडित विनोद श्यामधर जी, जिन्होंने समाज में अपना एक अद्वितीय योगदान दिया है, समाज के लिए बहुत कुछ किया है और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। चूंकि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इस संबंध में ये क्या विचार रखते हैं, किस तरह की राय है समाज के लिए, जानने का प्रयास करते हैं। जनपद में एक मुद्दा चल रहा है, बाहरी प्रत्याशी बनाम जनपद का प्रत्याशी, इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं आप? ये तो मेरे पिताजी का मुद्दा है और मैं भी इसको लेकर चल रहा हूँ। हर बार ये होता है, बाहरी बाहर रहें, और इसका मतलब नहीं है कि बाहरी यहाँ ना आए या बाहरी विजिट ना करें, या बाहरी तो बाहरी है, जो यहाँ का जानता नहीं है इलाके को। आज तो बिजनेस व्यापार जैसा हो गया, किसी शहर चले गए आप, वहाँ अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया और वहाँ पर कर रहे हैं काम। आप पास हुए, फेल हुए, अच्छा काम किए, नहीं किए, वापस। तो ये बाहरी जो सिस्टम है, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा, क्योंकि हम जानते ही नहीं दूसरे को। यहाँ पर क्षेत्रवासियों को जानना चाहिए ना, ये लोग हैं, उनको जानना चाहिए जो उम्मीदवार हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो बाहरी प्रत्याशी यहाँ आ जाते हैं, या यूँ कहे कि थोप दिए जाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अरे सीधे जिम्मेदार ये बड़े बड़े नेता जो हैं, और कौन जिम्मेदार है जो खुद यही करते हैं। अब अगर आप आवाज़ उठाइए ये बात, उनको अच्छा नहीं लगता जो बड़े नेता हैं, उनको कि वो किसी को कहीं से उठा के लड़ा दिया जाता है, वो खुद बाहर से आए हुए हैं हर जगह। आपको क्या लगता है जनपद में नेता नहीं है? ऐसा क्यों कहूँगा मैं, नेता भरे हुए हैं यहाँ पर, देखिए नेता भरे हैं, कोई नेता कहाँ कमी है, नेता की कहाँ कमी है? यहाँ पर लोग लाइन लगाए हुए हैं टिकट लेने के लिए, कोई मिल नहीं रहा टिकट। अब ये तो अब तो किसकी कमी मानते हैं? ये कमी है बड़ी नेताओं की, वो मनमाना काम करते हैं, जनता की बात को नहीं सुनते। नहीं, जनता कह रहा, पार्टी की बात नहीं सुनते, पार्टी की बात नहीं सुनते हैं। पार्टी का जो प्रेसिडेंट कह रहा है कि इनको भेजिए, इनको करिए, इनको, वो नहीं सुनते। वो तो अपने मन का करते हैं, और कुछ उसमें अगर हो रहा है तो कोई रीज़न है, कोई वजह है, वजह है कोई, मैं नहीं कह सकता क्या वजह है, और कहना भी नहीं चाहिए। जनता सब कुछ जानती है, सब जान, जनता सब जानती। आपको क्या लगता है कि एक बात ये भी निकल कर सामने आई कि जो पुराने नेता हैं, नए नेता हैं, उनकी भी बात आई, किनको मौका मिलना चाहिए? मेरा पर्सनल व्यू है, और ये दुनिया में मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं कई देशों में जहाँ गया हूँ, रहा हूँ, देखा हूँ, एक बार में दो बार से ज़्यादा मत नहीं लड़ना चाहिए। दो बार से ज़्यादा चुनाव में किसी को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे और लोगों को मौका मिले। मतलब जो दो बार में साबित नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। साबित करने की बात नहीं है, दो बार साबित कर दिया उन्होंने, दो बार बहुत है साबित करने के लिए कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन और लोगों को मौका मिलना चाहिए ना साथ। आठ आठ बार, दस दस बार एक कोई एमपी हो जाए, और कोई एक बार भी ना हो, और डेवलपमेंट सही से दिखाई दे, डेवलपमेंट कोई नाम दिखाई, चीज़ ही नहीं है। एमएलए हो या एमपी हो, सात बार आठ बार मैं सुनता हूँ, कितने लोग हैं इनको कहते हैं लोग, सात बार एमएलए रह चुके हैं और आठ बार एमपी रह चुके हैं, ताजुब होता है, ताजुब होता सुनकर की। तो ये इसीलिए उन्हें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और वो भी जंप करा करके कहीं और भेज दिए जाते हैं। मतलब ये होता है कि किस किसको कहीं से लड़ा दिया जा रहा है। अरे कहीं से लड़ा दिया जा रहा है, ठीक पहले एकदम से भेज दिया जाता है कि आप इस जनपद में जाकर लड़ लीजिए। हाँ, वो तो बैठे हुए वहाँ पर, ना वो कभी जनता के बीच गए, ना उनकी कोई जनता के बीच ख्याति है, ना जनता की समस्याओं को जानते हैं, डायरेक्टली उनको मौका मिल जाता है। बस वो क्योंकि वहाँ बड़े नेता से संपर्क है, बड़ा नेता चाहता है कि हमारे मन का होगा जो होगा, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़। जनता की भावना को छोड़िए, पार्टी की भावनाओं को नहीं जो सुनते हैं, पार्टी की भावनाओं को, पार्टी की भावना नहीं सुन रहे हैं।
और मैं तो ये बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि ये जो एमपी एमएलए कोई भी चुनाव हो, दो टर्म बहुत है किसी के लिए। अब थर्ड टर्म जो दो बार रह गए तो उसको थर्ड टर्म चाहिए, ऐसा क्यों? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो भी करना चाहते हैं, वो भी बड़े नेता बनेगा नहीं, वो भी कोई काम करना चाहते हैं, उनको भी इच्छा है। फ्रस्ट्रेशन होती है तब, तब लड़ाई होती है कि हम पार्टी के लिए जीवन पर्यंत काम कर रहे हैं और हमको मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो ये बातें जो हैं वो लोग नेताओं को सोच चाहिए। अब मैं कह दूँ, किसी का नाम ले लूँ तो वो भी गलत हो जाएगा। कौन ऐसा बड़ा नेता है जो दूसरी से नहीं लड़ रहा है? अपने एक का बता दिए, उन लोगों को पसंद नहीं ये बात कि आप ये बात करिए, बाहरी बाहर रहे हैं, जो ये बात कहे वो गलत है। आप पूरी तरह से चाहते हैं कि स्थानीय नेताओं को मौका मिलना चाहिए। अरे प्रधान, प्रधान पांच गांव से चुने जाते हैं। प्रधान लोग क्या दूसरे उस गांव से आते हैं, चुने जाते उसी हैं गांव, उसी गांव के होते हैं, उसी गांव में से उनको चुना जाता है, इसलिए क्योंकि वो समस्याओं के बारे में उनसे लोगों से कनेक्टेड है ना। लोग समस्याओं, आप जब लोगों से कनेक्टेड रहेंगे तब समस्याओं का समाधान करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आज यही हो रहा है, 12 से प्रत्याशी आ जाते हैं, समस्याओं का समाधान हो नहीं पाता, नहीं हो पाता क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। और एमपी के लिए लोग नई एक पॉइंट ऑफ व्यू चला है, नया नई बात कि एमपी लड़ सकता है कहीं से भी, ये ऊपर बात चल रही है। अब देखिए, नहीं कौन किसका नाम लूँ, तो कितने लोग वहाँ के परास्त हो गए, कितने लोग पीछे हो गए, उनको कितनी फ्रस्ट्रेशन लाइफ में हो रही होगी, उनको मौका नहीं, मौका नहीं मिल रहा है। और ये जरूरी है कि सबको मौका मिले, सबको जल्दी जल्दी बदले जाएं लोग तो जल्दी सबको मौका मिलेगा। मतलब जो लोग पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं उनको भी तो मौका मिले, मिलना चाहिए। एक आदमी आता है, कुर्सी पकड़ के बैठ जाता है, वो हिलने का नाम नहीं लेता। अरे वो कहता है मैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा रहा हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वो उसका काम देखिए तो क्या किया है पता नहीं, समझ में नहीं आता। हमारे फादर का जो यहाँ पर काम हुआ है, लोग जिस उनका गुड़ गाते हैं, हम तो बहुत सोचते हैं कि हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जनपद में इस बार जनता को किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप लोगों के बीच जाते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं, उनका समाधान नहीं हो पाया है? सबसे जरूरी बात है लोग रोजगार दिलाया जाए। और रोजगार तभी दिया जाता है, एक चीनी मिल चली थी, बाबूजी के मरते ही वो चीनी मर गई। कालीन उद्योग को, कालीन उद्योग चल रहा है, लोग चला रहे हैं, लेकिन चीनी मिल जहाँ कितने किसान काम कर रहे थे, कितने लोग काम कर रोजगारी थे, लोग काम कर रहे थे, सबको काम रुक गया। और 20 साल से हो गए, 25 साल होने जा रहा है, ये 25 ईयर्स। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में भी चाहते हैं कि लोग यूनिवर्सिटी हो जाए अपना ज्ञानपुर काशी नरेश, हाँ काशी नरेश, वो यूनिवर्सिटी हो जाए। तो बीच में उसमें जांच वगैरह भी चली, जमीन भी देखी गई, और फिर वो यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि मिर्ज़ापुर में बन गई, तो क्या लगता है कौन विफल रहा है इसमें? विफल माने पार्टी, ये अपनी गवर्नमेंट की तो अपनी प्रेफरेंस है ना, विफलता कहाँ होगी, बन रही है कहीं ना कहीं तो बनी रहा, कहीं से बनी रहा है। गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है, सब बराबर है। वोटिंग के लिए क्या अपील होगी जनपदवासियों से? मतदान है वो तो दान ही है, पैसा तो पैसा मत लीजिए, प्रलोभन में मत आइए, आइए कोई प्रलोभन नहीं, बिना प्रलोभन के मतदान करिए। हाँ करो, जो सही बात हो, जो सही चीज़ हो उस पर वोट, सही कैंडिडेट हो उसका चुनाव करिए, मतदान दीजिए। मतदान नहीं देते हम लोग, बेचते हैं अपने मत को, ये गलत है बहुत। अरे गलत, ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट। हम अगर हम आपको वोट दे रहे हैं, हमारे 5 साल में मौका मिला है हमको वोट देने का, मतदान करने का, कोई चीज़ जो मतदान दी जाती है वो बेची नहीं जाती सर, मतलब नहीं बिल्कुल इस तरह का नहीं करना। नहीं नहीं कोई नहीं बेची, तो बेचने की है ही नहीं अब, क्योंकि आप अपने, उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि उनको डर है कि ये जनतंत्र जो है कहीं धनतंत्र में ना कन्वर्ट हो जाए, और वही हो रहा है।
क्यों इतना पैसा खर्च हो रहा है चुनाव पर, लगाम लगाई जाए, लगाई जाए। लेकिन वो लोग जो चाह रहे हैं कि नहीं नए लोगों को लाइए। हम सोचता है हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आप भी चाहते हैं युवा पीढ़ी आए। हाँ चाहते हैं, हम तो चाहते हैं युवा पीढ़ी आए, हमारा समय ख़त्म हो गया। जो पुराने नेता यहाँ रहे, हाँ क्या चाहते हैं, उनमें से किसी को टिकट मिले वो मैदान में आए, या फिर उनको दरकिनार करके नए लोगों को मैदान में उतारना चाहिए? पुराने नेता कौन है यहाँ पर? काफ़ी सारे नेता हैं पुराने, मतलब जो इलेक्टेड हो चुके हैं एक बार दो बार। आपने कहा कि दो बार अगर वो लड़ चुके हैं तो तीसरी बार उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, नहीं नए लोगों को मिलना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दो बार, एक बार में दो बार से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। अच्छा, लगातार दो बार कर लिए तो तीसरी बार उनको जो है छुट्टी देना चाहिए, वो किसी और को मौका मिले काम करने के लिए। ज़्यादा लोग आते हैं अलग अलग विचारों के अलग अलग क्षेत्र से, तो अलग अलग क्षेत्र में विकास का विकास होता है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी